जय हिंद दोस्तों। दोस्तों JCC ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस हिसाब से जो डेट में परिवर्तन किया गया है, जितने भी हम लोग की एग्ज़ाम मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन लेवल की प्रतियोगिताएं होने वाली थी, उनकी सारी कैलेंडर जारी कर दी गई थी कि कब कब एग्ज़ाम होगी, कब उसके रिजल्ट आएंगे, लेकिन फिर से उसमें संशोधित कर उसमें चेंजेस की गई है, फिर से उसमें परिवर्तन किया गया। दोस्तों क्या क्या परिवर्तन किया गया है, दोस्तों इसमें क्या असर हो सकता है और क्यों परिवर्तन किया गया है, सारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग जो है CGL की तैयारी कर रहे थे, जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें पता था कि अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगी, फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्ज़ाम होने की थी, ऐसा मतलब हम लोग को बताया गया था कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है कि मई माह के अंतिम सप्ताह यानी कि लास्ट मई में CGL की एग्ज़ाम होगी, यानी जितने भी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 से, यानी मान लीजिए कि हम लोग जिससे भी तैयारी कर रहे थे ग्रेजुएशन लेवल के, उनकी एग्ज़ाम मई माह में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जून माह का अंतिम सप्ताह में दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा। ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ये नोटिस निकाला गया है। इसके बाद है दोस्तों आपका डिप्लोमा स्तर का जो JEE एग्ज़ाम जो होगी, डिप्लोमा स्तर की जो निकाली गई थी संयुक्त प्रतियोगिता, उसकी एग्ज़ाम अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह में होगा, जो कि वो फरवरी माह में लिखा हुआ था लेकिन नहीं हुई, किसी कारणवश वो नहीं निकल पाया, एडमिट कार्ड रिलीज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी जो दोस्तों अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक में इसकी एग्ज़ाम होने की डेट ये निर्धारित की गई है। और दोस्तों इसकी जुलाई माह का प्रथम सप्ताह तक में इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अब आगे की बात है दोस्तों, देखते हैं सरकार में क्या रणनीति बनाती है और क्यों ऐसा हो रही है। दोस्तों झारखंड सिपाही प्रतियोगिता, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता के जो हम लोग अभी अभी जैसे फॉर्म भर रहे हैं, उन सबको पता था कि इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी, जो टेस्ट होगी, फिजिकल टेस्ट होगी, वो फॉर्म भरेगी फरवरी में और मार्च में, इसका मार्च अप्रैल में होने का था, लेकिन अभी फिलहाल फिर इसमें चेंजिंग किया गया। इसमें क्या चेंजिंग है दोस्तों, इसमें जो है आपका शारीरिक जो है दक्षता जो मेजरमेंट की जाएगी, फिजिकली जो मेजरमेंट की जाएगी, हाइट चेस्ट वगैरह होती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, फीमेल में चेस्ट नहीं होता लेकिन हाइट में सारा होता है, बस ये दक्षता होगी, रनिंग होगी, वो सारा दोस्तों कब होने वाला था, ये सब आपका होने वाला था, आपका मार्च मंथ में होने वाला था, अप्रैल मंथ में होने वाला था, लेकिन अब ये कब होगा, अब इसका लिखा हुआ कि अप्रैल माह का तृतीय सप्ताह यानी कि अप्रैल का लास्ट अप्रैल में आपका होगा, ठीक है दोस्तों। और लिखित परीक्षा दोस्तों जुलाई माह का तृतीय सप्ताह यानी लास्ट जुलाई में इसका एग्जाम होगा, अगस्त तक में इसका रिजल्ट अनाउंस करेगा। तो इसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों आपका इस तरह से जितने भी इंटर लेवल एग्जाम था या मैट्रिक लेवल का एग्जाम था, सब में चेंजिंग्स देखने को मिल रहा है, लेकिन खास मैंने ये वीडियो बनाया, अपलोड किया CGL के लिए और उत्पाद सिपाही के लिए, जो फिलहाल आप लोग जितने भी पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके पास थोड़ा सा समय मिल गया है और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया है, इसलिए ऐसा ना सोचे कि टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम लोग रिलैक्स हो जाना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग के पास थोड़ा सा समय है जिसे फिजिकली बनाने के लिए, खासकर जो उत्पाद सिपाही का जो बहाली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर बहुत कम समय है, तो थोड़ा फिजिकल में ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेरिट बनाने के लिए तो एज मच पॉसिबल जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को मैक्सिमम नंबर लाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तैयारी कीजिए दोस्तों। आगे दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जितनी भी है सब जून माह का तृतीय सप्ताह में होगा, यानी कि देखा जाए तो जून अप्रैल लास्ट मई जून ये कुछ मंथ हैं जिसमें सारे एग्ज़ाम होने की संभावित संभावना जितना भी देखा सकता है हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास आप लोगों के पास ज़्यादा समय है नहीं, जितने भी तैयारी में लगे हैं थोड़ा सा लग जाइए, शायद इसलिए भी डेट में चेंजेस की गई है क्योंकि गवर्नमेंट अभी नया बजट पास हुआ है तो सारा चीज़ व्यस्त है बजट के ही में लेकर, तो तैयारी नहीं कर पाया, एग्ज़ाम हेल्प कराने का तैयारी नहीं कर पाया। मे भी झारखंड गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, आप लोग नेगेटिव ना सोचे, जो भी हो सोचना है पॉजिटिव ही सोचे, अभी बहुत प्रोटेस्ट भी हो रही है, इसलिए फोकस करें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, और खासकर जिसको फिजिकल तैयारी करना है, भाई बंधुओं से निवेदन है कि पहले वो फिजिकल का तैयारी अच्छे से करें, रोज़ ग्राउंड जाएँ, ग्राउंड से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।